हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो वह कितना एनर्जी स्टोर करता है। तो इसलिए हम सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट बना लेते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इस पर चार्ज क्यू जैसे जैसे इस पर आता रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा। ठीक, यहाँ इस ये हमारा जो चार्ज है इसको ये स्मॉल अमाउंट में डी क्यू ले लिए हैं। ठीक, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक, हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो वह कितना एनर्जी स्टोर करता है, एक इसी को हम आज फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। चार्ज डी क्यू इज ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंड चार्ज प्लेट टू दी फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट से सेकेंड प्लेट। सबसे पहले हम स्मॉल अमाउंट में निकालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल अमाउंट के लिए निकाल रहे हैं इस वर्क डन का फॉर्मूला, पी डी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक, वर्क डन जो स्मॉल रहेगा तो डी डिफ्रेंशिएट टी डब्ल्यू बाई इक्वल इसके लिए भी और ये डी क्यू और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो बट भी इक्वल क्या फॉर्मूला रहता है, क्यू बाई सी यहाँ पुट कर देंगे तो डी डब्ल्यू और भी के लिए क्यू बाई सी और इंटू डी क्यू का डी क्यू। इफ़ टोटल चार्ज ट्रांसफर इज फ्रॉम जीरो टू क्यू, जीरो से लेके क्यू तक निकालेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क कितना किया। ठीक, तो इसके लिए वो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट डी डब्ल्यू। ठीक, और इसको हम जो जीरो से लेके क्यू तक इंटीग्रेट कर दिए, जीरो टू क्यू। ठीक, तो क्यू बाई सी का डी क्यू। ठीक, तो ये हमारा क्या मिल गया, ये निकल गया, तो ये डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू, वो ये जो सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है तो वन बाई सी बाहर निकल गया, जीरो टू इंटीग्रेट जीरो टू क्यू, क्यू का क्यू और डी क्यू। ठीक, इसका हो जाएगा डब्ल्यू वन बाई सी और इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेट ये क्यू का वन वन टू हो जाएगा और बाई में टू नीचे आ जाएगा, जीरो टू क्यू। ठीक, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहले और फिर लोअर लिमिट। ठीक, तो वन बाई सी का वन बाई सी और अपर लिमिट सबसे पहले क्यू की जगह भरेंगे कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू भर दिए तो क्यू स्क्वायर बाई टू है, माइनस का माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का माइनस और जीरो जो है जीरो यहाँ भरेंगे तो पूरे के जीरो कर देगा, तो जीरो इसमें से हम जीरो घटाएंगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई टू यहाँ टू लिख दिए हैं, वन बाई टू इंटू क्यू स्क्वायर सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला मिल गया, इसको याद कर लीजिएगा। This work done is stored in form of electrical potential energy in capacitor as electric field is conservation field. ठीक, potential difference उस तरफ हमको क्या मिला था, वन बाई टू क्यू स्क्वायर सी। नोट फर्स्ट देखते हैं, potential difference हमको ये मिला था वन बाई टू क्यू स्क्वायर सी, बट क्यू इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, सी भी। ठीक, तो potential energy वन बाई टू का वन बाई टू और क्यू के जगह पे हम सी भी रख दिए, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा भी का स्क्वायर, सी भी रखेंगे स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, अब आई में सी का सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी बच जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें को वन बाई टू सी भी स्क्वायर मिल जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, नोट सेकेंड, पी इक्वल क्या होता है, वन बाई टू सी भी स्क्वायर यहाँ से। ठीक, वन बाई टू का वन बाई टू और सी का सी और ये सी स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं। ठीक, इतना आप समझ सकें, अब यहाँ देखते हैं, बट क्यू इक्वल क्या होता है, सी भी, क्यू इक्वल सी भी, यहाँ पर हम देखे थे क्यू इक्वल सी भी, यहाँ भी वो यूज करने वाले हैं जो हमारा सी भी है, सी भी की जगह हम क्यू रखने वाले हैं, तो क्यू एक भी का भी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, वन बाई टू क्यू इंटू भी। फाइनली हमको क्या मिला,
इस पोटेंशियल एनर्जी का दो तीन फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर सी, इसके इक्वल होगा 1/2 सी वी स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1/2 क्यों भी, जिस न्यूमेरिकल बनाने में जो फॉर्मूला का यूज आएगा उस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। ये तीनों फॉर्मूला हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।